नमस्कार, मैं हूं रितु। पहले ही विवादों में घिरे रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पहले भी जमीन विवादों में फंसे होने के कारण चर्चा में आए, क्योंकि मामला सीधे कांग्रेस उच्च कमान से जुड़ा था, इसलिए जल्द ही दबा दिया गया। पर सच कभी नहीं छिपता, इसलिए जमाई राजा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर जमीनी विवाद में घिर गए हैं, क्या है इसमें आपका कहना? सोनिया गांधी के दामाद नहीं, देश के दामाद हैं। धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। सरकार जो है अपने दामादों की बजाय अपने देश के लोगों के बारे में सोचे कि यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो भुखमरी से मर रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। ऐसे में एक व्यक्ति जाने कितने एकड़, कितनी सैकड़ों एकड़ की ज़मीन उसके नाम है, वो क्या कर लेगा? जाएगा तो बाद में 6 फुट ज़मीन के अंदर ही। जी, मेरा यही कहना है कि ऐसे तो होता रहेगा, क्योंकि इनके पीछे पॉलिटिशियंस का हाथ होता है। तो ये गलत काम करते रहते हैं, इन्हें कोई डर है नहीं। ये तो और करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे अगर इन पर कोई कार्यवाही ना की गई तो। पहले से ही देखा जा रहा था आम जनता को, मेरे को जैसे आम जनता के रूप में मुझे यकीन था कि इसका कुछ नहीं होने वाला इस केस का। रॉबर्ट वाड्रा ने खरीद फरोख्त की ज़मीन की, उनको 7 फ्लैट्स मिले, उनको DLF के कई सारे प्रोजेक्ट्स में उनको फ्लैट औने पौने दाम पर दे दिए गए, और कुछ तो फ्लैट उन्हें गिफ्ट भी किए गए। तो वो गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको कुछ होना तो मतलब ये कहा जा सकता है कि आप दूध में से मक्खी निकाल के नहीं फेंक सकते। जी, इस पर सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि वाड्रा के पास एक मतलब ये पहली बार नहीं है कि वाड्रा विवादों में आए हैं। वाड्रा कई बार विवादों में आ चुके हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन है, और जो ज़मीन सरकारी रूप से लेकर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा उनको दी गई है। और हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से कोल आवंटन और रॉबर्ट वाड्रा या इसके अलावा जितने भी 2GB स्पेक्ट्रम, सरकार अपने विवादों में इतनी बुद्धि से घिर गई है, पर उनको छोड़ते हुए वो सिर्फ वाड्रा को बचाना चाहती है। क्योंकि मुझे लगता है कि देश की सबसे ज़्यादा संपत्ति, एक आम जनता की संपत्ति, इस पर एक जनता का अधिकार है, वो सारी रॉबर्ट वाड्रा के पास। पहले भी सबूत मिले थे और काफ़ी दिन मामला जो है गरमाया रहा, और उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल गई कुछ दिन बाद, तो कहीं ना कहीं सरकार की रणनीति इसमें? देखिए, सरकार की रणनीति को अगर देखें तो क्लीन चिट उन्हें पहले मिल गई थी। अगर वो आगे भी कोई अपराध करते हो तो उनको फिर क्लीन चिट मिलेगी। उन्होंने DLF के जो मामला था हमारा फ्लैट का, उसमें बहुत सारे सबूत मिले थे। अभी जो सबूत मिले हैं, फिर से सबूतों का अंबार लग गया है, लेकिन उनके खिलाफ अभी भी कोई मामला नहीं बनेगा, ना ही उन पर कार्रवाई की कोई उम्मीद है मुझे। देखा जाए तो वो एक तरह से सरकार के दामाद हैं, तो दामादों को कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये लोग उनको सपोर्ट करेंगे किसी तरीके से, कोई ना कोई राजनीति चाल चल के उन इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा। जी, क्लीन चिट तो मिलेगी, चाहे जितने मर्जी सबूत हो जाए, क्योंकि इनके सर पे जो हाथ होते हैं ना लोगों के, पॉलिटिशियंस के, वो बहुत इनकी सहायता करते हैं और इनको बढ़ावा देते हैं कि ऐसे काम ये करते रहे बार बार। अगर सबूत मिल रहे हैं तो हाँ, इसके पीछे कुछ तो होगा कि कोई व्यक्ति अकेले, रॉबर्ट वाड्रा तो है नहीं, और भी हैं हमारे क्या कहते हैं नेता जिनके लड़के दामाद हैं। मैं ये चाहूँगा कि सरकार एक निष्पक्ष होकर इसकी जांच करे। रॉबर्ट वाड्रा सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा हैं, सोनिया गांधी के दामाद नहीं है, प्रियंका गांधी के पति नहीं है। इस चीज़ को लेकर अगर जांच होती है तो सच्चाई सामने आएगी। जी हाँ, बिल्कुल, सरकार की रणनीति है कि भाई वो उनके सबसे बड़ी चीज़ है कि सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, तो वो उनको बचाना चाहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि उनके पास जो धन की संख्या है, जो मतलब जो उसमें और भी ऐसे कई चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, और बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जो उसके जुड़ी हुई हैं, और अगर उन पर कोई जांच बैठती है तो उसमें से और भी लोग हैं जो बाहर आएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम, उसी वजह से उनको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। और बस क्या आपको लगता है, इस बार कोई सज़ा मिलेगी या फिर ये मुकदमा ही होकर रह जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये भी आप ये समझ लीजिए कि ये भी केस जो है वो क्रैश हो जाएगा और इसका भी कुछ नहीं होना। देखिए, सज़ा तो जैसे देश के हालात हैं इस समय कि 2500 करोड़ के घोटाले करने वाले घर में आराम से बैठे हुए हैं, बाहर घूमने की मांग करते हैं वो, एक क्या कहते हैं खिलाड़ी के गाड़ी से क्या कहते हैं हीरोइन मिलता है, वो भी मज़े में घूम रहा है, तो ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, इन पर तब तक साया नहीं पड़ेगा जब तक निष्पक्ष, और मेरे ख्याल से जब तक भगवान ज़मीन पर नहीं उतरेगा तब तक इन्हें कुछ नहीं होने वाला। ये मुझे नहीं लगता कोई सज़ा मिलेगी, मुकदमा चलता रहेगा और इनको क्लीन चिट मिलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई सज़ा मिलेगी, पहले भी कभी कोई सज़ा नहीं मिली और अब भी मुझे नहीं लगता कि कोई सज़ा मिलेगी। बस मुकदमा होगा और उसको घुमा फिरा कर कोई ऐसी शक्ल दे देंगे कि उसको बिल्कुल साफ सफ़ेद नकाब से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, ये सिर्फ मुकदमा महज होकर रह जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसे विवाद कांग्रेस पर उठे हैं जो उसने बहुत शांति से उनको खत्म कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा ब्रांड टैग ये है कि वो सोनिया गांधी के दामाद हैं, और मुझे नहीं लगता कि देश के इस दामाद के साथ कभी कुछ हो पाएगा।
अभी बात करें रॉबर्ट वाड्रा की, तो मौजूदा सरकार में उनका कोई रोल नहीं है, उसके बाद उन पर केस क्यों नहीं किए जाते? देखिए, मौजूदा सरकार में रोल नहीं है, वो गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति, उनको उनके नाम से नहीं जाना जाता, उनको उनकी पत्नी के नाम से जाना जाता है। सरकार में उनका कोई भी रोल नहीं है, वो किसी भी पद को नहीं रखते, उनके पास कोई पद नहीं है, वो किसी भी कमेटी के मेंबर नहीं है, ना ही वो सांसद है, ना वो विधायक है, लेकिन वो सोनिया गांधी के दामाद हैं, और ये चीज़ काफ़ी है। सरकार में रोल बेशक नहीं है, लेकिन वो सरकार के दामाद हैं भाई। सरकार के दामाद की तो इज्जत सरकार करेगी ही ना, तो बस ऐसा ही है। देखिए, सरकार में उनका रोल नहीं है वो अलग बात है। अब आज क्या कहते हैं, सोनिया गांधी को हम प्रधानमंत्री मानते हैं, मनमोहन सिंह हालांकि प्रधानमंत्री हैं, सोनिया गांधी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि अब सोनिया गांधी इसी तरीके से, अगर उनका कोई रोल नहीं है, उससे मतलब थोड़ी ना है, वो किसके दामाद हैं, किसके पति है, ये मैटर करता है। वो सोनिया गांधी के दामाद है, ये उनके लिए सबसे बड़ा एक ब्रांड टैग है, और इसके लिए उनको कोई अभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, हो सकता है कि विपक्ष आने के बाद, दूसरी सरकार आने के बाद कुछ हो जाए, पर यहाँ तो पूरी जनता, ये पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। शायद हो सकता है कि उसमें और भी बड़े वाड्रा बैठे हों, तो बस यही है कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये मामला नया नहीं है, पहले भी सरकार ऐसे कई मामलों में लोगों की आंखों में धूल झोंक चुकी है। हर वो मामला जो सरकार या सरकार से जुड़े आदमी से संबंधित हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो या खुद मनमोहन सिंह, मामलों की गूंज केवल सुनाई देती है, पर जाने कब खामोश हो जाए पता ही नहीं चलता। अब सरकार के इस जमाई राजा को जमीन राजा ना कहें तो क्या कहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।